नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का एक ऐसा समय है जब आजकल की जनरेशन बहुत मेहनत कर रही है, बहुत पढ़ रही है, और उनमें से कुछ ऐसे हीरे हैं जो माँ बाप के नाम के साथ साथ पूरे शहर का और देश का नाम भी चमका रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हों। और उन्हीं में से एक आज हमारे साथ हैं जो म्यूज़िक में अभी पीएचडी करने की तैयारी में है और बहुत ऊंचाइयों को छू रही है, अपनी एक म्यूज़िक एकेडमी भी चला रही हैं, बहुत जगह पर उनको एज जज देखा जाता है। मेरी मुराद है महक जमाल से। महक, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि बहुत ही लोकप्रिय गायक हैं श्री बिट्टू जमाल जी, जो बहुत इंटरनेशनली फेम है, 5-7 हज़ार से ज़्यादा भेंटें लिख चुके हैं, डिवोशनल गीत लिख चुके हैं, और महक उनकी बेटी है। तो महक, पहली बात तो कैसा महसूस होता है एक ऐसे इंसान की बेटी होना जिन्होंने इतना कुछ किया समाज के लिए, इतना डिवोशनल लिखा, इतना गाया? बिल्कुल, जितनी पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं ये फील करती हूँ कि उनके इतना ज़्यादा फेम, इतनी ज़्यादा रेपुटेशन होने के कारण कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि उसको संभाल के रखें और उसको आगे बढ़ाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये होती है एक संस्कृति, एक कल्चर और परिवार के दिए हुए संस्कार, जो अभी महक ने आपसे बात की। तो महक, कितने साल में आपने म्यूज़िक शुरू किया, कितने साल में आपने गाना शुरू किया? इफ़ आई कैन रिमेम्बर तो मैं 3 या 3.5 साल की उम्र होगी उस टाइम, शायद नर्सरी या LKG क्लास से ही मैं तब से ही गाना शुरू किया और पापा जी से खेल खेल में ही बस सीखना शुरू कर दिया और पता नहीं चला कि कब वो मेरा प्रोफेशन बन गया। वाह, तो फिर कहाँ कहाँ स्टडीज हुई आपकी अब तक? मेरे बहुत ज़्यादा स्कूल्स मैंने नहीं चेंज किए, बट जैसे पेरेंट्स शिफ्ट होते हैं तो ऑब्वियसली स्कूलिंग्स चेंज होती हैं। वाइली मेमोरियल स्कूल, उसके बाद दर्शन एकेडमी में मैंने 3-4 साल तक स्टडी की है, तो फिर थ्रू आउट प्लस टू तक मैं BCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही मेरी स्कूलिंग हुई है जी। उसके बाद कॉलेज, कौन से कॉलेज है? कॉलेज रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज। मेरे कॉलेज ने भी मेरी बड़ी ज़्यादा हेल्प की है, बिल्कुल हमेशा पेरेंट्स की तरह एक सहारा बन के मेरे आसपास मेरे पीछे खड़े रहे हैं। जितने हर कंपटीशन में ऐसा होता था कि मेरे को पार्टिसिपेट करना, तो मुझे एक दिन पहले पता चलता था, टीचर्स बोलते थे महक कल वहाँ पर जाना है। तो एकदम से जैसे आपको एक दिन पहले बोला जाता था कि महक कल ये कॉम्पिटिशन हो रहा है एंड आप तैयार हो और पहुँच जाओ, तो फिर कैसे होता था, कुछ टफ होता था वहाँ जाना, या जब वहाँ कंपटीशन में आप भाग लेते थे, मुकाबला करते थे, तो क्या पोजीशन रहती थी? नहीं, ऐसे कुछ टफ नहीं होता था एज सच, अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि टीचर्स भी थ्रू आउट द ईयर ही वैसे ही तैयारी करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले बोला तो उसी दिन पूरा रात तक प्रैक्टिस करनी है। पापा जी के साथ इतनी ज़्यादा मेहनत की, वो हमेशा रियाज करवाते रहते थे, हमेशा नई चीज़ों को ट्राई करते रहना। मैंने कोई भी जॉनर कोई भी होना, उन्होंने बोलना कि हर एक को ट्राई करो। ऑब्वियसली टीचर्स ने भी वैसे ही प्रेपरेशन करवानी कि कभी ज़रूरत पड़े, जब भी एक दिन पहले एक बार उसकी प्रैक्टिस की तो वो चीज़ सामने आ जाए। और बड़ों के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमेशा 1st, 2nd, 3rd पोजीशंस रही ही हैं जी। मैं कैसा था कि जब हमारा एक ज़माना था, जब हम लोग कॉलेज में होते थे, तो हमारे माँ बाप तो यही कहा करते थे कि अगर आप गाने लग गए तो पढ़ाई में फेल हो जाओगे। लेकिन अब ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज है, तो आपको कैसे महसूस होता है कि स्टडी में और सिंगिंग में दोनों में बैलेंस रखना, क्योंकि आपने MA तो कर ही लिया म्यूज़िक में, आप PhD करने की तैयारी में हैं, तो कैसे आप ये बैलेंस बनाते थे? आई डोंट थिंक कि वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है, दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत है। हालांकि खेली वेली नहीं मैं कभी भी, ना मैंने कभी अपने घर के गेट से बाहर कदम रखा है सिवाय किसी काम के। हम लोगों को खेलना ही म्यूज़िक लगता था, जैसे मैंने बताया बचपन में ही खेल खेल में पापा से सीखा, वही रियाज की एक रूटीन बन गई। मेडिटेशन की संगीत में तो अलग से ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि संगीत ही मेडिटेशन है, उससे ही माइंड एकदम रिफ़्रेश हो जाता था। तो पढ़ाई में तो और ज़्यादा ध्यान लगता था, वैसे भी मेरे पास शायद ये जेनेटिक ही ट्रिक आ गई थी कि जो भी पढ़ना मैंने वो गुनगुनाते हुए पढ़ते जाना, वो ऐसी चीज कोई भी याद हो जाती थी, समझ आ जाती थी। बहुत बढ़िया, यानी कि बचपन से आप सिर्फ सुरों से खेल रही हैं तो शब्दों से खेल रही हैं, और उसी कारण आप बहुत अच्छी एक सिंगर बन पाई। तो इससे पहले बातें कुछ और करें, हमारे दर्शकों को दिखाते हैं कुछ दृश्य जो आपकी उपलब्धियों के, कि कहाँ कहाँ आप गई, कहाँ कहाँ आपने
पार्टिसिपेट किया, तो क्या क्या दृश्य हैं आइए देखते हैं। तो दर्शकों आपने देखे कुछ दृश्य कि कहां कहां महक ने पार्टिसिपेट किया, बहुत मेहनत की और आसमान की ऊंचाइयों तक अपना नाम बनाया और अपने फादर का, बिट्टू जमाल जी का और पूरे परिवार का और शहर का नाम रोशन किया। तो महक बचपन से ही आप संगीत के साथ जुड़ी हैं, तो बचपन एक ऐसा होता है कि जहां बच्चा शरारतें भी करता है, डांट भी करता है, डांट भी खाता है, जिद भी करता है, तो कुछ ऐसा अनुभव हुआ बचपन में कि नहीं? हाँ, ऐसा अनुभव होता रहता था क्योंकि मेरे मॉम एक लॉयर रह चुके हैं, अब वो हाउसवाइफ हैं जी। तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे शुरू से। अभी अगर मैं बात करूँ, मेरे टीचर्स भी कॉलेज में देख के हैरान होते थे कि एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की जो हमेशा म्यूज़िक के एक्टिविटीज़ में ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, ज़्यादा क्रिएटिव काम ही करती है, उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है, इतना अच्छा पढ़ लेती है, हालांकि कभी वो कोई लेक्चर नहीं लगाती, लेकिन फिर भी हमेशा कॉलेज में भी टॉप करती है, यूनिवर्सिटी में भी टॉप रही है, क्योंकि मेरे मॉम इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। आप मानेंगे, जैसे हम बच्चे को प्री नर्सरी में लिखना सिखाते हैं, एक लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए लेटर, ऊपर नहीं जाना चाहिए, बेवजह इरेजर नहीं यूज़ करना, मेरे मम्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इन चीज़ों को लेके। अभी भी मन है कि मेरे को इतनी बड़ी होने के बाद भी मम्मा से डर लगता है, अगर कोई गलती होगी तो अभी मम्मा डांट देंगे या मार देंगे। इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल में रहने के बाद उन चीज़ों की आदत पड़ गई। जी जी जी। तो इससे पहले हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, हमारे दर्शक आपकी आवाज़ भी सुनना चाहेंगे, हालांकि आपके रिकॉर्डेड गीत तो हमने सुनवा दिए हैं, पर एक बार लाइव आवाज़, आपको जो सबसे बढ़िया गीत लगता हो या कोई भजन लगता हो तो उसकी कुछ लाइनें आप गुनगुना सकती हैं प्लीज़? हाँ जी, जरूर जी। बिल्कुल, हाल ही में पिताजी की कलम से ही आया है मेरा एक गीत जी, वो आप सबको सुनाऊंगी। कच्चियां घरां दे विच रहंदे सीगे जदों, ओदों प्यार परिवारां वाला सच्चा सी, चौंदियां सी छत्तां भावें कच्चियां सी कंधां, सत्कार परिवारां वाला सच्चा सी,
ਕੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਫਟੀਆਂ ਸੀ ਪੈਂਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਚੱਪਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਬਾਲ ਕੇ ਅੰਗੀਠੀ ਅੰਮੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਸੀਗੇ ਸੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਸੀਗੇ ਸੇਕਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੇਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧੱਕਾ ਸੀ ਕੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਔਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਾ ਗਾਣਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਮੈਂ ਥਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਿਕ ਜੀ ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪਲੈਨਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ? ਤੋ ਆਪ ਜੈਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਮੇ ਆਪ ਕੈਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋ ਸਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਤੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਬਿਗਿਨਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਭੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਵੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਜਿਨਮੇ ਲਲਕ ਹੈ ਸਿੱਖਣੇ ਕੀ। ਔਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੈਵਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਪੀਕਲੀ ਕਲਾਸਿਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਛੋਟੇ 5-6 ਸਾਲ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਸੇ ਲੈ ਕੇ 57-58 ਏਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਪਾਊਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪਸ ਮੇ ਬੈਚਿਸ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਸੀ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਬਿਗਿਨਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਕੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸਮਝ ਮੇ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਫੀਲ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੇਤਾ ਹੂੰ, ਅਗਰ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਕੁਛ ਔਰ ਟਰਾਈ ਕਰੇਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਮੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੋ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸਵਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸਮੇ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂਓਂ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਰੀਕੇ ਬਤਾਏ ਹੈ ਸਿਖਾਏ ਹੈ ਉਨ੍ਹੀਂ ਤਰੀਕੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਉਨ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨੇ ਕੀ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਤੋ ਕਿਆ ਆਪਕਾ ਏਮ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸਮੇ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਮੇ ਆਪ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਅਗਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੋ ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਏਮ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੀ ਕਿ ਜਿਸਕੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੂੰ। ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਮੇ ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ ਵਹੀ ਦਿਲ ਮੇ ਲਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜਿਸਕੋ ਆਪ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਮੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਕੋ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆਗੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ। ਸੀੜੀਓ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋ ਆਸਮਾਨ ਹੈ, ਸੀੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਂ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਤਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੋਚਤੀ ਹੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ 10 ਲੋਕ ਹੈ ਤੋ 10 ਮੇਂ ਸੇ 8 ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁਝੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਬੱਚੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਮੇਂ ਕੁਛ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਉਨਕੋ ਹਾਸਿਲ ਹੋ, ਕੁਛ ਬਣ ਪਾਏ, ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਪਾਏ, ਕਈ ਉਨਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਉਹ ਗਾ ਪਾਏ, ਉਨਕੋ 8-10-15-20 ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਣ ਲੇ ਉਨਕੋ ਔਰ 10-12 ਲੋਕੋ ਕੀ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਤੀ ਹੋ। ਕਿਆ ਆਪ ਐਸੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤੇ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇਸਕਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬੜ ਰਹਾ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਾ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਵੋ ਇਸਕੀ ਕਦਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤੇ ਤੋ ਉਨਕੋ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੂੰ, ਹਫਤੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨਕੀ ਕਲਾਸ ਅਕੈਡਮੀ ਮੇਂ ਲਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਕੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਕਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਿਵੋਟ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇ ਲੀਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਤੋ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਬਰਾਬਰ ਕਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਂ ਇਹ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਉਨਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੇਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਉਸਕੀ ਤਰਫ ਡਿਵੋਟ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਆਪ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੜੇਗੀ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਆਪਸੇ ਬਾਤੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ
हालांकि हमें यही लगता है कि आजकल के बच्चे बस वेस्टर्न कल्चर के पीछे ही भाग रहे हैं, या माँ बाप के खर्चे ही करा रहे हैं, या अच्छी आदतों में नहीं है। लेकिन आपसे बात करके ये लगा कि कम से कम हमारे समाज में आजकल के ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जिनके पास वाकई माँ बाप के दिए हुए बहुत अच्छे संस्कार हैं, और जो वाकई अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियोज आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो प्रिय दर्शकों, आप बताइएगा कि कैसी लगी आज की ये विशेष इंटरव्यू महक के साथ, जो म्यूजिक अकेडमी भी चला रही है लुधियाना में, और इंटरनेशनल गायक और साथ में राइटर बिट्टू जमाल जी की बेटी भी हैं, और खुद इनका ब्रदर भी म्यूजिकल कंपोजर है, इनका अपना स्टूडियोज भी है साथ में, और बहुत ऊंचाइयों तक जाने की तमन्ना है और ज़रूर पूरी भी होगी। तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल वॉइस ऑफ एशियंस को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। हम फेसबुक पे भी हैं और इंस्टा पे भी हैं। बहुत जल्द मिलेंगे और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।